गांव नहरी स्थित दादा शंभुनाथ डेरे में चोरों ने बीती रात सेंध लगा दी। बताया जा रहा है कि सोनीपत का प्राचीन स्थान है, यहां पर प्राचीन समय के दौरान राजा पूर्णमल ने तप किया था। डेरे में महंत बाबा को रात के समय बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं चोर लाखों के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में दिखाई देने वाला यह स्थान सोनीपत के गांव नारी में स्थित दादा शंभुनाथ का डेरा है, जहां पर प्राचीन समय से लोगों की मान्यता जुड़ी हुई है। वहीं देर रात इसी स्थान पर चोरों ने अपना आतंक मचाया है। डेरे के बाबा योगी नाथ ने बताया कि 4 से 5 बदमाश डेरे में घुसे और सबसे पहले मौजूद बाबाओं को बांध दिया और उसके बाद मुख्य बाबा के कमरे में प्रवेश कर उसे भी बांध दिया गया और यहां से दान पात्रों से नकदी और आभूषण ले गए। मौके पर पहुंचे डीएसपी हरिंदर ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि रात को डेरे में चोरी की गई है, कुछ आभूषण और नकदी चुराई गई है, कीमती लाखों का सामान बताया जा रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए रात को अभी हमारे को सूचना मिली थी, ये अपने सिंधेश्वर नाम से मंदिर है नारी गांव के अंदर, ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। इसमें हमारे को सुबह सूचना मिली थी रात को जो है 4 से 5 आदमी हो सकते हैं जो यहाँ पे हमारे नाथ जी रहते हैं, बाबा जी रहते हैं, दोनों को एक कमरे में जैसे उन्होंने ताला तोड़ा पहले तो उसके कड़ी से उसके बाद उस बाबा जी को एक कमरे बंद कर दिया है। उसके बाद जितने भी उसके पास नकदी थी, जो नाथ दान पात्र थे, जो भी यहाँ सोने के चांदी के कोई आभूषण थे या कोई बर्तन थे, सभी को यहाँ से ले गए हैं। और वह हमने यहाँ पे हमें ये एफएसएल टीम ही हमने बुलाई है और हमारे सीआई टीम है, एसएचओ साहब हैं, तो इसमें हमारी जो प्रक्रिया होगी एफआईआर दर्ज हमने इसमें कर दी है और कोशिश करें इसमें जो भी दोषी उनको हम पता कर गिरफ्तार करें। सर आपका परिचय? मैं हरिंदर कुमार, डीएसपी खरकोदा। वही रात को 10 बजे जो है पूजा करके खाना वाना खा के लेट गए थे, आराम कर गए थे और 11 बजे ही वो चोर आए हैं, 5-7 जने थे और उन्होंने नीचे आके साधुओं को, जो और साधु नीचे सो रहे थे उनको बांध दिया, उनको देसी पिस्तौल कट्टे अड़ा दिए। बोलोगे तो फिर वो दीवार कूद के अंदर आ गए, फिर उन्होंने आके बड़े बाबा के कवाड़ तोड़ दिए, कवाड़ तोड़ के बाबा को भी बांध दिया, बाबा की कमर में भी चोट मारी उन्होंने। और जी जितना दान पात्र में पैसा था जो श्रद्धालुओं ने चढ़ा रखा था और जो भी बाबा के पास सोने के एक कुंडल थे कानों के, वो सब ले गए, सोना चांदी के भी बर्तन थे वो भी ले गए। ये रात के 12 बजे की 11:30 बजे का वाका है जी। पुलिस को काम कर रही है? पुलिस बहुत अच्छे, सुबह सूचना मिलने पर पुलिस टाइम पर पहुंची है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है जी। आपका नाम? योगी सतपाल नाथ जी। कहाँ की घटना है ये? दादा शंभु नारी में हुआ है जी। भाई हम अपने कमरे में आराम कर रहे थे और अपनी जगह जगह पर पहला वे बांध दिए, फिर मारा गेट तोड़ दिया, मारे को जाकर पकड़ कर मारे को उसे लपेट दिया से, पीछे ना हाथ बांध दिए। फिर हम वहाँ दूसरे कमरे में हम भी जाकर पैर भी बांध दिया, हाथ भी अलग कुंडी में बांध दिए और भाई पैसा पैसा ले जाओ भाई जी, तुमने जो कुछ पाऊंता हो वो अपना दाऊ तसली था घंटा भर तो ऊपर रहे हैं, जितना जितना जो उनका जिसा जिसा वो करे दिया उन्होंने। क्या क्या था जी मंदिर में, क्या कुछ था? कुछ भाई बर्तन भी थे, कुछ चांदी के, कुछ सिक्के भी थे और पीछे दिल्ली भी थे, 5-4 लाख रुपये तो होंगे हम, जोड़ी झंडा सब साफ और कोई जगह तोड़ फोड़ बतेरी हो रही है, पेटी का मैंने बेरा नहीं कितना किया था वो मुझे रोज देखे जाए किया और किया ना। आपके कानों में भी कुंडल बताई गई? कुंडल थे उसमें सुनने की बीड़ी थी, वे काट ले गए, यदि मोम लाया सुबह तो लकड़ जाते लकड़ गए थे वे ले गए, वे तो काट ले गए और फिर हम तो ऐसे पड़ गिर गए ना, हम तो नहीं पड़े थे तो वो जो है ऐसे ऐसे लकड़ गए दोनों दर्शन। कितने आदमी थे जी? 4-5 आदमी गाँव से। तो क्या पिस्तौल की बट्टी आपको मारी है? न बट दूसरे बाबा का। कुछ हथियार भी ले रखे थे? पिस्तौल तो जरूर बाबा दूसरे बाबा का राई है वो बांध था। तो कौन से बाबा का नाम क्या है? बच्चूनाथ। बच्चीनाथ। हाँ तो पुलिस कोई मदद कर पा रही है आपके?
ये तो मौके पर है भाई, मैं के मदद न मेरी तो पूरी हो रही है, देख देख मदद झूठ बोल लूंगा। एक बार आपको किसी पे शक है कोई? भाई मैं देव किस पर बताऊँ, कोई इसमें नुकाम खा सको किस पर? कहाँ की घटना ये? यही है घटना तो, ये कमरे में। आपका नाम? करमवीर नाथ।